मुदायर ने शादी की है मुझसे, बीवी हूं उसकी मैं, कि मेरा घर है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं मुताहिर की बीवी हूं। ऐसे हैरत है मुझे, इतना जलील होने के बाद भी तुम अब तक यहां बैठी हो। अगर तुम्हारी जगह मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो मैं कब की यहां से जा चुकी होती। जब तक मैं मुताहिर से बात नहीं कर लेती, तो मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मुताहिर तो यहां है ही नहीं, किससे बात करोगे? वो मेरा फोन नहीं उठा रहा, तो वो तुम्हारा फोन क्या उठाएगा? और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुमने उसे फोन जरूर किया होगा। यकीन करो निका, मुझे नहीं पता था कि मुताहिर पहले से शादीशुदा है। इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं हो तुम, हाँ? इतना बड़ा ऑफिस चला रही हो, 10 लोगों को हैंडल करती हो, लेकिन कैसे कैसे मुताहिर ने तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दी और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया? या फिर सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुमने मुताहिर से शादी कर ली सिर्फ मेरा घर बर्बाद करने के लिए? मैं कुछ नहीं जानती थी अनिका, तुमसे झूठ नहीं बोल रही। अब कह दो कि तुम फातिमा के बारे में भी नहीं जानती। फातिमा? क्या मतलब फातिमा? फातिमा के साथ भी कोई रिश्ता था क्या मुताहिर का? मेरे खुदाया, एक शादीशुदा शख्स की दूसरी बीवी बन गई और मुझे पता ही नहीं चला। दूसरी नहीं, तीसरी। पहली शादी फातिमा से हुई थी मुताहिर की, दूसरी मुझसे, और तीसरी तुमसे। तुम्हें क्या लगता है कि जब मैंने फातिमा जैसी को बर्दाश्त नहीं किया, तो मैं तुम जैसी माजूर को बर्दाश्त करूंगी? कभी नहीं। चलो, ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना, मैं मुताहिर से बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बात करने का मौका दे दूंगी? गलती है तुम्हारी अनिका। छोड़ो इसे। क्यों छोड़ू मैं इसे? खबरदार, जो आपने मेरे किसी मामले में दखल अंदाजी की तो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी फूफो हैं या मेरी सास। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं कितनी बदतमीज हूं। चलो इधर से निकलो, इस से निकलो। मैंने कहा निकलो।